एक्सपोर्टनि मिटिंखौ खुंनानै आइङा सिमां दाउ दोजों नियामा थांगोन दाउ आथाबोन सिमाङा भिडिअ फोरखौगोन सिमां आंनि भिडिअखौ इमुङा थांबो बागानखौ नुथेला आं नख सिङा बागलि मिटिं एक्सपोर्ट माइङा जाना सिमांनो खबर खुंना थगोन आंनि फाइलत गियान दालदे
लेंगा बता रहा है अभी लेंगा बाबू में जो अभी ये अजनक ने ये साउथवेस्ट का सिगिल माइन ओनर और एक्सपोर्टर एसोसिएशन इस साल में जो बनाया है जो बागली को भी ओवरटेक किया है और MMOEA को भी ओवरटेक किया है बिना एनी विदाउट एनी कंसल्टेशन विदाउट एनी डिस्कशन विद बागली एसोसिएशन एंड विदाउट MMOEA तो कुछ डिस्कशन नहीं है जो लोग अपना खुद बनाए तो जो हम लोग तो मेरे तरफ से बेनती कर रहा हूँ जितना जो बागली एक्सपोर्टर एसोसिएशन और MMOEA जो हम लोग के पुराना एसोसिएशन जो बोसरा चरागाह हम लोग चला रहा है ये हम लोग चाहता है ये जॉइंट एक्शन कमिटी दो एसोसिएशन से हम लोग मेंबर सेलेक्ट कर क्योंकि हम लोग ये नहीं लेके जा सकता पूरा बागली एसोसिएशन को ऑफिस जाएगा कहाँ कहाँ में लेके जाएगा तो हम लोग मेरे तरफ से चाहता है हम लोग यहाँ से अगर आप लोग बागली का सेशन अगर मंजूर हो तो आप लोग सेलेक्ट करके आप लोग का आदमी जो बागली सेशन का यहाँ का लोकालिटी है आप लोग अपना आदमी को रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करो हम लोग ये जॉइंट एक्शन कमिटी को सेलेक्ट करना है ताकि हम लोग कहा ऑफिस गवर्नमेंट की तरफ हो या चीफ मिनिस्टर या हो या होम मिनिस्टर हो या DCP हम लोग ये मेम्बर से हम लोग एक साथ जाना है ये इसका एम और प्रोजेक्टिव है ये जॉइंट एक्शन कमिटी के हम लोग जो बनाने चाहते क्योंकि हम लोग ये भी MMOEA के भी हम लोग शॉप को भी उठा के नहीं ले जा सकता हम लोग उसको चुन के बेचना है ताकि ये मेरा एरे कल परसों ये एक्सपोर्ट हम लोग स्मूथ चला सकते और हम लोग ये जॉइंट एक्शन कमिटी क्यों बनाने चाहते हैं अभी जो दिन ब दिन में कानून बदलते रहता है सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से पहले जो मैंने आया ये बागली रास्ता एक ठू भी गाछी नहीं रास्ता में अभी तो पूरा गाछी हो गया एक्सपोर्ट चल के अभी तो मैंने दुख लग रहा है हम लोग यहाँ लोकल के पीपल अभी तो चुपचाप दे रहा है लेकिन यहाँ में तो चल रहा है तो ये जो हम लोग का मतलब है ये जॉइंट एक्शन कमिटी इसलिए बनाने चाहता है ताकि हम लोग यहाँ में चालान नहीं है अभी ताकि हम लोग बाहर का चालान जो मेजर माइनर है ताकि हम लोग NSC दे के यहाँ ला सकता है यानी कौन से रास्ता हम लोग तलाश करना है हम लोग ये जॉइंट एक्शन कमिटी दोनों एसोसिएशन से हम लोग NOC देगा ताकि हम लोग ला सकता है ताकि आप लोग पब्लिक जितना एक्सपोर्टर है यहाँ बागी या चूना पाथर हो या कोयला हो हम लोग ला सकता है अभी मैंने आप लोग को एग्जाम्पल देखा रहा हूँ यहाँ हम लोग जो कोयला चला रहा है अभी बोल जयंती से हम लोग ला सकता है कोयला का चला तो क्यों ये कोयला ये लाइमस्टोन यहाँ बागली में लाने नहीं सकता हम लोग बाहर से लिए चला जो मेजर लोग उधर तो अगर हम लोग ये जॉइंट एक्शन कमिटी बनाएगा हम लोग NOC देगा ताकि ये चालान आप लोग को पब्लिक को सब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते मतलब दे सकता है ताकि आप लोग भी सब जितना एक्सपोर्टर है या में आप लोग भी चला सकते इसका एम है एंड ये उसका जॉइंट एक्शन कमिटी हम लोग ये करने चाहता है और हम लोग ये जितना ये जो प्रॉब्लम है अभी जो मैंने देख रहा है ताकि हम लोग इसको धीरे धीरे हर ऑफिस में हम लोग शुरू करें जाने के ऐसा सॉल्व करना है तो ये तो मैं जस्ट ये बोलने तो है ही नहीं बता नहीं खाली ये है हम ये बता नहीं चाहता आप लोग को सबको अगर आप लोग ये राजी है ये JSC को फॉर्म करने के लिए जॉइंट एक्शन कमिटी को फॉर्म करने के लिए तो ये हम लोग का एम है ताकि ये हम लोग ये प्रॉब्लम जो हम लोग अभी जो फेस कर रहे हैं कैसा सॉल्व करना खाली ये मैं इतना बोलने चाहता है जो कौन कौन भी यहाँ में जो आप लोग जो यहाँ जो आया है जो आप लोग का दिल है जो क्या बोलने चाहता है और क्या दिखाने चाहता है आप लोग का आइडिया से आप लोग का दिमाग से हम लोग सबको वेलकम करेगा लेकिन एक 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 आदमी एक बात ताकि हम लोग इसमें यह प्रॉब्लम और मेरे तरफ से और जस्टिस तो है नहीं बोलने के लिए इतना है तो हम लोग शुरू करेगा तो शर्मा को फिर हम लेगा इसको चलाने के लिए और भावेश क्या बोलने मांगता और कौन कौन भी बोलने मांगता बोल सकता है ओपन टू ऑल इनका रिएक्शन है ये प्रॉब्लम में कैसा सॉल्व करना है ये मैं चाहता हूँ तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सब